स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आम का सीजन शुरू हुआ है और आम रस हम सबका फेवरेट है, तो चलिए आज बनाते हैं आम रस पूरी की रेसिपी। ये हमने ली है पायरी आम। आमरस पायरी का भी बनता है, आप थोड़ी पायरी भी ले सकते हो और एक दो आम अल्फोंजो के भी ले सकते हो। चॉइस आपकी है कि आपने किसका बनाना है। इसे थोड़ा सा ऊपर से काट लेंगे और इसे हाथों से एकदम सारा स्क्वीज कर लेंगे। आम के छिलके को खोल के हम रख देंगे। इसी तरह हम अपने बाकी के भी सारे आम स्क्वीज कर लेंगे। आमरस बनाने के लिए हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसी तरह हम गुठली से भी सारा पल्प निकाल लेंगे। ये हमने 5-6 आमों का आमरस निकाला है। अब ये ली है मैंने आधा कटोरी दूध और दूध में डाला है थोड़ा सा केसर और ये दूध मैं ये छिलकों में डाल दूंगी ताकि जो भी बचा कुचा है इसे ऐसे मसल के बाकी का भी आमरस मैं निकाल लूंगी। दूध डाल के हमने छिलके और गुठलियों में से बाकी का सारा रस भी निकाल लिया है। अब हम इसे इसमें रस में डाल देते हैं। आमरस हमारा अच्छी तरह निकल आया है। अब इसमें डालेंगे 5-6 चम्मच पिसी हुई शक्कर। इसमें डालेंगे 1 चुटकी नमक, आधी चम्मच इलायची पाउडर, आधा चम्मच सौंठ। आम की तासीर वैसे तो गर्म होती है पर सौंठ डालने से हमारे पेट को ठंडक पहुंचती है। और अब डालेंगे थोड़ा सा जायफल। अब इसे अच्छे से हैंड ब्लेंडर के साथ बीट कर देंगे। आप मिक्सी में भी कर सकते हैं, हैंड ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हैं। हमारा आम रस तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं कटे हुए आम के छोटे पीस। वैसे तो सब आम रस बहुत खुश होके खाते हैं पर अगर आपको पीसेस नहीं डालने तो वो ऑप्शनल है। आम रस तैयार है, इसे सर्व करते हैं। इसे हम फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखते हैं, तब तक हम अपनी पूड़ियां बना लेंगे। कढ़ाई में तेल रखा है, हम गैस शुरू कर देते हैं। जब तक तेल गर्म होता है हम अपना आटा बांध लेते हैं। पूड़ियों के आटे के लिए यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप आटा गेहूं का। इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, पिसी हुई अजवाइन, इसको अच्छे से हाथ से मसल दीजिए, और 1 चम्मच बड़ा घी का। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे हम गूनेंगे। ये रहा हमारा पूड़ी का आटा एकदम तैयार। ये आटे को हमने थोड़ा सख्त मलना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, आधी चम्मच। इसे अच्छे से मल के इसे अब हम ढक के 10-15 मिनट तक रख देंगे। 10-15 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी पूड़ियां बेलेंगे। अब ये छोटी लोई लेंगे, अब इसे अच्छे से बेल देंगे।
तेल गरम हो चुका है और हमने अपनी पूरियां भी बेल ली हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। ये रही हमारी आमरस पूरी एकदम तैयार। इसे इस गर्मियों के सीजन में ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ऐसी ही स्वादिष्ट समर रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।